अर्चनम। भगवान का अर्चन, अर्चन किसका होगा महाराज जी? अर्चावतार का अर्चन होगा, अर्चावतार का अर्चन होगा। देखो आप लोग अन्यथा न माने, संसार में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो। फिर से सुन लो हमारी बात, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो, पर जो अपने को स्वीकार करते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं वे कृतज्ञ हैं, और जो किसी न किसी में किसी प्रतीक की मूर्ति की पूजा करते हैं फिर मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं या उसका विरोध करते हैं वे कृतघ्न हैं। आवश्यक थोड़ी है, हमारे यहां बाबा महाराज दो रूपों में, एक सकल और निष्कल, दो स्वरूपों की पूजा है। अब भगवान का जो श्री विग्रह है वो सकल है, सगुण है, वो शालिग्राम जी क्या है? निष्कल है, उनमें ना हाथ है ना पैर है ना मुख है, दो स्वरूप है कि नहीं? सकल निष्कल। शिवजी की पूजा में देख लो, सकल है उनका विग्रह और निष्कल है उनका शिवलिंग, वो निष्कल है। आप किसी इमारत को मानते हैं, आप किसी आकार विशेष को मानते हैं, तो आप जिस किसी भी प्रतीक को, आकार को, चाहे किसी इमारत के रूप में, चाहे ग्रंथ के रूप में, चाहे किसी पुस्तक के रूप में, किसी रूप में आप मानते हो कुछ भी, तो जिसको आप मानते हो अपनी उपासना के आश्रय के रूप में वह मूर्ति ही है। चाहे जल रूप में मानो, अग्नि रूप में मानो, पर बहुत से लोग मानते तो हैं पर उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान के शास्त्रों में पांच स्वरूप कहे गए, कितने स्वरूप? पांच। पर विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये पांच स्वरूप। परात्पर स्वरूप भगवान का नित्य साकेत वैकुंठ गोलोक में विराजमान है, त्रिपाद विभूतिस्थ। वो परात्पर स्वरूप ही जीव जगत पर अनुग्रह करने के लिए हंस है, ग्रीव, मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह आदि रूपों में प्रकट होते हैं, वो विभव हैं। वे परात्पर भगवान ही व्यूह रूप में प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वे भगवान ही सभी जीवों के अंतर्यामी हैं और वे ही भगवान अर्चावतार के रूप में विराजमान है। अब देखिए, मेघ में स्थित जल, झरने में स्थित जल, कुएं में स्थित जल, नदी में स्थित जल, सरोवर में स्थित जल और आपके घड़े में रखा हुआ जल, इसमें कोई भेद है क्या? जलत्वेन सब भेद, सब जल एक जैसे ही हैं। ठीक इसी प्रकार से जो परात्पर स्वरूप है वही विभव है, जो परात्पर स्वरूप है वही व्यूह है, जो परात्पर स्वरूप है वही अंतर्यामी है, और जो परात्पर स्वरूप है वही अर्चावतार है। इसलिए अर्चावतार के रूप में साक्षात भगवान है। ये कामतानाथ जी को आपने क्या समझ रखा है? ये पर्वत हैं, ये साक्षात अर्चावतार हैं। गिरिराज जी को आपने क्या समझ रखा है? वो पर्वत हैं, वो साक्षात अर्चावतार हैं, साक्षात अर्चावतार। हम लोग अर्चावतार को प्रतीक नहीं मानते। एक ऐसी मान्यता भी है जो मूर्ति को भगवान न मानकर भगवान का प्रतीक मानती है। हम लोग प्रतीक नहीं मानते, वैष्णव लोग प्रतीक नहीं मानते। वैष्णव तो साक्षात भगवान मानते हैं, प्रतीक थोड़े ही मानते हैं। हमारे ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रतीक थोड़े ही हैं वो। अर्चावतार के रूप में भगवान सब जीवों को अत्यंत सुलभ हैं। ¶¶
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।